assalamu alaikum and welcome back to your college of pharmacy uh, today our uh, topic of discussion is basically pharmacological classification <music> और बेटे उसकी बेस पर हम अपने ड्रग्स को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं एक होता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कौन से होते हैं बेटे ऐसे ड्रग्स जो किसी भी प्लांट का डायरेक्ट पार्ट होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनाइज्ड है और जो बेटे किसी भी प्लांट का इनडायरेक्ट पार्ट होंगे

सीड्स हैं ये ये बेटे पौधे के डायरेक्ट हिस्से हैं ठीक है थीके? और इन हिस्सों के अंदर वो टिश्यूज पाए जाते हैं जिनके जरिए प्लांट के अंदर बेटे पानी की ट्रांसपोर्ट होती है और मिनरल्स की यानी के नमकियात की ट्रांसपोर्ट होती है वो टिश्यूज इन डायरेक्ट हिस्सों में पाए जाते हैं लेकिन बेटे कुछ डर ऐसे भी होते हैं जो किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते ठीक है यानी कि डायरेक्ट पार्ट नहीं होते जैसे बेटे अक्सर मुख्तार होती हैं जिसको अक्सर प्लांट्स के अंदर से गम्स गूंदे निकलती हैं, जिनको इस्तेमाल किया जाता है एस जा अ ड्रग लेकिन बेटे वो डायरेक्ट पार्ट नहीं होते और ना ही उनके अंदर वो टिश्यूज होते हैं जिनके जरिए पानी की और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट होती है पूरे पौधे के अंदर तो ऐसे प्लांट्स को बेटे हम कहते हैं कि वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं जैसे बेटे अक्सर आप देखें जैसे ओपियम और ये पपेन यानी कि अफीम ली जाती है ठीक है अफीम कैसे ली जाती है कि बेटे आपके प्लांट के ऊपर कट्स लगाए जाते हैं जिसकी वजह से तो उसके अंदर से एक मिल्की सा फ्लूइड निकलता है जिसको आप अपने पास सेव कर लेते हैं तो बेटे उस मिल्की फ्लूड को आ, आप कहते हैं कि बाद में ये हमारे पास ओपीएम है यानी कि ड्रग को फिर हम ऐसा ओपीएम इस्तेमाल करते हैं तो बेटे अब वो मिल्की फ्लूड उसका डायरेक्ट पार्ट नहीं था ठीक है लेकिन उसके बावजूद उसको ड्रग ड्रु, के तौर पर इस्तेमाल किया गया तो उसको हम कहते हैं कि वो अनऑर्गेनाइज है जबकि बेटे हमारे पास जो होते हैं डायरेक्ट पार्ट्स होते हैं जैसे फ्रू fruit, फ्रूट्स uh, है लीव्स है बार्थ है यानी कि छाल वगैरह ये डायरेक्ट हिस्से होते हैं और इनके अंदर टिश्यूज भी होते हैं इनको हम ऑर्गेनाइज्ड रख कहते हैं उसके बाद बेटी हमने सेकंड नंबर पे पढ़ा था

या बेटे हम टेक्सोलमिकल क्लासिफिकेशन को कह सकते हैं कि ये एक अरेंजमेंट लॉ डिफाइन कर दिया गया है और उस लॉ के मुताबिक ही हमने प्लांट्स को अरेंज करना है और वो जो अरेंजमेंट लॉ डिफाइन किसकी बेस पर किया गया कि जो नेचुरल प्रॉपर्टीज थी और उसके साथ साथ बेटे जो डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज थी यानी कि एक प्लांट के अंदर जो सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स थे और डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स थे उनकी बेस पर हमने ट्रक को तो क्लासिफाई किया वो हमारे पास कहलाता है के वो क्लासिफिकेशन है जिसमें बेटे हमने एग्जांपल भी देखी एलम थी उसके अलावा फिड्रा थी एगर थी आपने इनमें से कोई सी भी दो एग्जांपल्स लेकिन बेटे आपने ऑर्डर हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले इस अरेंजमेंट में सबसे पहले फाइलम आएगा फ़ाइलम के के बाद औरे आएगा, औरे के बाद ऑर्डर ऑर्डर आएगा, फैमिली आएगी फैमिली के बाद जीनस और लास्ट पे स्पीशी आपने कोई भी ड्रग हो आपने हमेशा उसको इस ऑर्डर से ही लिखना है इसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं कि ये टेक्जोनोमी है ठीक है और इस तरह की क्लासिफिकेशन को टेक्जोनोमिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है अब अगर ये टेक्नोलॉमिकल क्लासिफिकेशन से पहले भी बेटे दो टेबल्स उन्होंने आपको बुक पे दिए हुए ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज ड्रग्स के वो आपने क्या करना है कि उसमें सारे पार्ट्स बताए हैं ड्रग्स के और फिर उनकी दो दो एग्जाम्पल्स दी हुई है जैसे आप ये स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि बेटे ये हमारे पास जैसे ये अनऑर्गेनाइज ड्रग्स हैं तो सारे बता दिए कौन कौन से ड्रग्स हैं जो वो अनऑर्गेनाइज है और उनका कौन कौन सा पार्ट यूज हो रहा है इसी तरह इसे ऊपर वाला एक टेबल है उसके अंदर ऑर्गेनाइज ड्रग्स हैं उनमें उन्होंने दिखा दिया कि कौन कौन से ड्रग्स हैं जिनके डायरेक्ट पार्ट्स हैं और सबके आगे एग्जाम्पल तो मिनिमम टू एग्जाम्पल्स आपने सब ड्रग्स की करनी है ठीक है उसके बाद एक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन था वो मैंने आपको बता दिया कि बेटे ये लॉ है तो एक अरेंजमेंट के मुताबिक ड्रग्स को डिवाइड किया जाता है अरेंज किया जाता है जैसे बेटे आप ये टेबल आपके सामने है इसमें उन्होंने एक प्रॉपर हमें ड्रग का नाम बता दिया कि एलमंड है एगर है और फिड्रा है लेकिन बेटे उसकी जो प्रॉपर एक अरेंजमेंट है कि सबसे पहले फाइलम आएगा फिर ऑर्डर आएगा फिर फैमिली आएगी फिर जीनस आएगा और फिर स्पीशी आएगी तो ये उन्होंने पांच में बेटे बता दी हैं यानी कि पॉइंट्स, यानी कि इसी आप कह सकते हैं अरेंजमेंट के मुताबिक आपने आप बेटे ये अरेंजमेंट कैसे है कि ये इंसेस्ट्रल अरेंजमेंट है कि बेटे आप कह सकते हैं कि जैसे इंसेस्टर्स होते हैं ना आप आपके अबा आपके अबा के अबा यानी कि आपके दादा फिर आपके परदादा तो बेटे ये एक एक अरेंजमेंट है कि जो मुताबिक टॉप टू बॉटम मूवमेंट एक हो uh, to रही है तो बेटे बिल्कुल इसी तरह के एक अरेंजमेंट के मुताबिक आपके ड्रग्स को प्रॉपरली क्लासिफाई किया जाता है उसको हम टेक्जोनोमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं उसके बाद है बेटे आगे हमारे पास फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो बेटे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कौन सी होती है कि बेटे ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं उनके इफेक्ट्स के मुताबिक यानी कि बेटे आपको पता है ना कि जो भी ड्रग आप यूज करेंगे वो कोई ना कोई एक्शन लाजमी प्रोड्यूस करेगा कोई ना कोई थारोपिक एक्शन तो बेटे वो क्या एक्शन प्रोड्यूस करेगा जब आप इसकी बेस पर ड्रग्स की क्लासेस बना देते हैं तो उस क्लासिफिकेशन को हम फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं ठीक है और बेटे खाली जरा काइंडली एक मिनट अगर आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें आसान हो रही अच्छा बेटे हम देख रहे थे कि फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो कि आपके स्क्रीन पर शेयर भी है आप बेटे क्लासिफिकेशन क्या होती है कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ड्रग्स की स्टडी तो करते हैं लेकिन बेटे हम ड्रग्स को देखते हैं लेकिन किस बेस पे देखते हैं कि वो क्या एक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जब भी बेटे हम किसी भी ड्रग को इस बेस पे क्लासीफाई करेंगे डिवाइड करेंगे कि वो बेटे क्या एक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कि कुछ होंगे जो को करेंगे, लेकिन बेटे ये जो सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ ये हर ड्रग का एक्शन है ये हर ड्रग का रिस्पॉन्स है जो वो प्रोड्यूस करेंगे तो जब आप कोई भी थेरापटिक इफेक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको हम फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं अब बेटे जैसे आपके पास सामने उन्होंने उन्होंने दिखाया हुआ भी है स्क्रीन पे कि फार्माकोलॉजिकल क्लास बताई हुई है वो कौन कौन सी हैं जैसे सबसे पहले है एंटी कैंसर ड्रग्स हैं तो बेटे एंटी कैंसर ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें उन्होंने हमें बताई हुई है सिनामोन बार्क बेटे सिनामोन क्या होता है दार चीनी को कहा जाता है ठीक है तो जो बार्क यानी कि बेटे बार्क होता है छाल को कहते हैं यानी कि जो स्टिक की तरह का मटेरियल होता है उसको बार्क कहा जाता है अब सिनामोन बार्क क्या है कि बेटे ऐसी बार्क, दार चीनी की बार्ग जो अक्सर आप गर्म मसाले में भी देखते हैं तो बेटे एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है तो उस स्टिक लाइक -like स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि वो सिनामोन बार्क है। अब बेटे सिनामोन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है क्योंकि हमने इस ड्रग की फिजिकल बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया तो बेटे इन करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के बाद हमें पता चला कि ये जो ड्रग्स हैं ये आ, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखते हैं यानी कि बेटे ये कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं सेकंड नंबर पे हमारे पास परगेटिव परगेटिव क्या होते हैं कि बेटे ये एक ऐसा एक्शन है जिसके मुताबिक जब भी बेटे अक्सर आप देखते हैं पेशेंट्स के अंदर स्वेर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है यानी कि इतनी स्वेर होती है यानी कि कॉन्स्टिपेशन आपको पता है बेटे जब आपकी इंटेस्टिनल यानी कि बाउल मूवमेंट कम हो जाती है बेटे जब बाउल मूवमेंट कम होती है ना तो अल्टीमेटली उससे होता क्या है कि जो आपका ड्रग होता है ना सॉरी जो आपकी बाउल मूवमेंट कम होने से होता ही है कि आपको कॉन्स्टिपेशन अगर बेटे वो कॉन्स्टिपेशन स्वेर हो ठीक है अगर कॉन्स्टिपेशन आपके पास स्वयर हो तो बेटे वो हमारे ब्लडी स्टूल्स की तरफ लेके जाती है यानी कि पेशेंट को अब बेटे जब ब्लडी स्टूल्स होंगे तो अल्टीमेटली होता क्या है कि आपके पेशेंट को अब उस कॉन्स्टिपेशन से हमने रिलीव कराना है यानी कि उसके स्टूल के साथ उसके वेस्ट मटेरियल के साथ बेटे ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है तो उस केस में फिर हम प्रगेटिव इस्तेमाल करते हैं ठीक है अब बेटे ये जी भी ना कॉन्स्टिपेशन के भी केसेस होते हैं कि के माइल्ड केस है उसके अलावा मॉडरेट है या क्रॉनिक है तो बेटे जब क्रॉनिक केस होता है ना उस केस में हम लेते हैं परगेटिव ठीक है जैसे हमारे पास एलो है एलोवेरा की बेटे प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कराता है उसके अलावा बेटे सना जिसको आप सना मक्की कहते हैं और थर्ड नंबर पे हमारे पास कैस्टर ऑयल ठीक है कैस्टरऑयल को भी हम यूज करते हैं फॉर द कॉन्स्टिपेशन पर्पज ठीक है एस अ परगेटिव इस्तेमाल करते हैं उसके अलावा अगर आप बेटे देखें आगे एंटी स्प्राज्मोटिक है एंटी स्प्राजिक ड्रग्स कौन से होते हैं बेटे ऐसे ड्रग्स जो आपके बेसिकली uh, बेटे को spasm, हम बोलते हैं कंट्रेक्शन को ट्वेंटी स्पाज मतलब कि बेटे ऐसे ड्रग्स uh, की क्लास है ये यानी कि ऐसा एक एक्शन है जिसके मुताबिक जो कंट्रेक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है उन उनको रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ठीक है यानी कि स्पाज को रोकने के लिए जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम कहते हैं कि वो एंटी स्पाजिक है जिसमें बेटे हमारे पास ड्रग्स हैं बेलाडोना माकू जिसको आप कहते हैं या बेटे हायोसाइमस हायोसाइमस हम कहते हैं तुख्मे भंग को ठीक है तो इन दोनों ड्रग्स को हम एज एंटी इस्तेमाल करते हैं यानी कि इनको जब भी लेंगे तो जहां जहां आपकी बॉडी बो, मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है उनको हम रोक सकते हैं उसके अलावा बेटे

स्किन भी सांस ले रही होती है तो उन पोर्स को आप कह सकते हैं उनका साइज रिड्यूस करवाता है ताकि बेटे जो एक हीलिंग प्रोसेस है वो जल्दी हो सके ठीक है तो हम कहते हैं कि जो स्ट्रेंजेंट्स हैं इसलिए इनको कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज में ज्यादा यूज किया जाता है ताकि जो एक हीलिंग का अमल है वो तेजी से हो सके जिसमें बेटे एग्जाम्पल है हमारे पास कटैचू कत्था जिसको आप कहते हैं या टैनिक एसिड ठीक है माजू का तेजाब इसको कहते हैं अब आप कहेंगे कि तेजाब स्किन में कैसे इस्तेमाल होगा तो बेटे इस तेजाब की जो पी एच होती है उसको अकॉर्डिंगली चेंज किया जाता है और साथ साथ तो उसकी एक स्पेसिफाइड अमाउंट एड की जाती है तो इस वजह से फिर हम इसको स्किन प्रेपरेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं उसके अलावा बेटे हमारे पास एक्सपेक्टोरेंट है एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं कि यानी कि ऐसे ड्रग्स जो बेटे आप बलगम को यानी कि प्रोडक्टिव कफ में इस्तेमाल होते हैं प्रोडक्टिव कफ क्या होती है बलगम वाली खांसी आप बेटे जब ऐसी खांसी हो या आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा इन्फेक्शन है जिसके रिजल्टेंट आपकी बॉडी में म्यूकस बन रही है फ्लेम बन रही है तो बेटे उसको आपकी बॉडी से रिमूव करवाना भी जरूरी है तो वो कौन कौन से ड्रग रिमूव करवा सकते हैं ग्लिसराइजा मलटी जिसको आप कहते हैं या बेटे टोलू बालसम ये ना रेजन की एक क्लास है उसका ये ड्रग है तो ये बाल्सम्स को भी हम यूज कर सकते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ म्यूकस ठीक है और लास्ट पे है कार्डियोटॉनिक कार्डियोटॉनिक हैं जो हार्ट की एफिशिएंसी को बेहतर बनाते हैं आपको पता है हार्ट की एफिशिएंसी क्या है हार्ट की वर्किंग है ब्लड को पंप करना अब बेटे अक्सर ऐसी डिजीजेस हो जाती हैं जो हार्ट एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देती है जैसे कि हमारे पास है जैसे कि बेटे हमारे पास है आ, आ, ये

और, है, दोनों ही बेटे हैं, और इनको हम फिर इस्तेमाल करते हैं हार्ट में। इसी तरह बेटे हमारे पास आगे लास्ट क्लासिफिकेशन है जिसको हम केमिकल मेथड भी कहते हैं बेटे जब भी आपको पता है हम ड्रग्स को पढ़ते हैं तो हम उसकी केमिकल क्लास को या हम उसके केमिकल कॉन्सिकुण्स को लाजमी स्टडी करते हैं स्क्रीन नीचे करें बेटे हम उसकी केमिकल क्लास और को क्लासीफाई करते हैं है, कि जो कीमियाई है, वो कौन कौन से है या किस नेचर के हैं तो बेटे जब आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स की बेस पर किसी भी ड्रग को क्लासीफाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो केमिकल मेथड है जैसे आप नीचे टेबल भी देख सकते हैं तो बेटे उन्होंने सारे केमिकल कॉन्स्टिटेंट्स बता दी हैं कि ये ये केमिकल की मियाई होंगे जो पाए जाएंगे और साथ एग्जाम्पल्स भी दे दिए जैसे बेटे कार्बोहाइड्रेट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स कार्बो आपको पता है शुगर्स या सेक्कर जो होते हैं उनको कहा जाता है अब बेटे हमारे पास जितनी भी गम्स होती हैं जैसे अकेशिया गम है जिसको हम कीकर का कहते हैं उसके अलावा कहते हैं जिसको हम कतीरा कहते हैं या बेटे साथ हमारे पास स्टार्च है ठीक है ये हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स हैं जिनको हम यूज करते हैं यानी कि क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द केमिकल कॉन्सिटेंट्स कार्बोहाइड्रेट क्लास में बिल्कुल इसी तरह बेटे ग्लाइकोसाइड होते हैं ग्लाइकोसाइड्स हमारे पास एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर हमेशा जितने भी ड्रग्स होंगे उन सब के अंदर बेटे हमेशा टू पार्ट होंगे एक ग्लाइकोजन यानी कि एक शुगर पार्ट होगा और एक ए ग्लाइकोजन यानी कि नॉन शुगर पार्ट होगा तो बेटे उसके मुताबिक हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो एलो है यानी कि एलोवेरा यानी कि सना मक्की जिसको आप कहते हैं जो कोविड में भी इस्तेमाल होता था उसके अलावा बेटे ग्लिसराइजा जिसको आप कहते हैं या डिजिटेलिस जो कि अभी हमने ऊपर कार्डियोटोनिक ड्रग भी पड़ा है तो बेटे ये हमारे पास मुख्तलिफ ड्रग्स हैं जिनकी जो केमिकल नेचर है जो इनके अंदर पाए जाने वाले केमिकल कॉन्स्टिटेंट हैं वो ग्लाइकोसाइड इन नेचर होते हैं यानी कि बेटे उनके अंदर दो पार्ट Okay वोलाटाइल होती है यानी कि ये फोरी तौर पर अवेपोरेट कर जाते हैं तो इसलिए हम इन ऑयल्स को वोलाटाइल ऑयल्स कहते हैं जिसमें बेटे एग्जाम्पल है हमारे पास सिनामोन जिसको आप दालचीनी कहते हैं उसके अलावा फैनल है यानी कि सौंफ उसके अलावा बेटे क्लोव है यानी कि लौंग जिसको आप कहते हैं और लास्ट पे है कैरा ठीक है कैरा हम बोलते हैं बेटे जीरे अः जीरे को ठीक है तो ये हमारे पास बेटे डिफरेंट ड्रग्स हैं जिनको हम यूज कर जिनको हम क्लासिफाई करते हैं आ,

उसके साथ बेटे रेजन्स है, रेजन्स की क्लास है जिसमें बेटे ये हमारे पास बेसिकली बेसिकलीस होती हैं, जो बाद में सॉलिडिफाई हो जाती हैं, जिसमें एसफीडा हींग, जिसको आप कहते हैं या बेटे जिंजर अदरक जिसको आप कहते हैं इसी तरह टेनिंस हैं, टेनिंस बेटे ज्यादातर ना कलरिंग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे चमड़ा रंगने वाली इंडस्ट्रीज है या जहां पर डाइज तैयार की जाती है या जहां पर इंक्स बनाई जाती है वहां पर ये ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं और ब्रिटिश में एग्जाम्पल है हमारे पास ब्लैक कटैचू काला कथा जिसको आप कहते हैं और लास्ट में बेटे क्लास है प्रोटीन जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ प्रोटियोलिटिक इंजाइम आते हैं जो कि पपेन पपेन हम पपीते से हासिल करते हैं और ब्रोमिलेन जो कि बेटे हम अनानास से हासिल करते हैं ये दोनों एंजाइम्स हमारे पास प्रोटीन इन नेचर होते हैं और बेटे प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन में इस्तेमाल किए जाते हैं